दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पांच इंडिकेटर के बारे में जो आपको मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दे सकते हैं। अगर आप उन इंडिकेटर्स को फॉलो करते हो तो अच्छा खासा वो आपको प्रॉफिट निकाल के दे सकते हैं। वो आपको मार्केट का ट्रेंड दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन किसी भी इंडिकेटर पे आप 100% भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। कोई भी इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंडिकेटर मैं बताने वाली हूँ वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पे अपने चार्ट में प्लॉट कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बाय और सेल का सिग्नल आपको मिल जाता है। एक बड़े ट्रेंड का कंफर्मेशन सुपर ट्रेंड देता है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेंड में आपको लॉस हो सकता है, तो आपको बड़े ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना है सुपर ट्रेंड से। और आप इसके लिए साथ में कंबाइन में वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पांच इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप सारे इंडिकेटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जितने ज़्यादा आएंगे उतने अच्छे और बढ़िया वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी सारे इंडिकेटर के बारे में, और डिटेल में उन वीडियो में आपको मैं समझाऊँगी इस इंडिकेटर की सेटिंग के बारे में। तो चलिए देखिए, सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला हमें। बड़ा ट्रेंड यहाँ पे अचीव हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जो सेकंड कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता था, 626 पॉइंट का प्रॉफिट हमें सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे दिया है। कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला वॉल्यूम ने भी हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन दिया कि यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए। तो बिल्कुल सुपर ट्रेंड हमारे लिए जो बड़े ट्रेंड होते हैं उसको अचीव करने में हेल्प करता है। साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर वर्क नहीं करता दोस्तों, तो सुपर ट्रेंड भी आपको साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगा। तो साइडवेज मार्केट में किसी भी इंडिकेटर को अवॉइड करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय का सिग्नल मिला हमें, और हमें सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे ट्रेंड बताया। ट्रेंड बताने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री लेते थे तो हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट होता था, 424 पॉइंट का सुपर ट्रेंड ने प्रॉफिट दिया है हमें। यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम, देख सकते हैं कंबाइन करके वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, तो आप एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए सेकेंड इंडिकेटर के बारे में बता देती हूँ मैं। ये सारे इंडिकेटर मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ लाइव मार्केट में, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, और ये बिल्कुल प्रॉफिट देके जाते हैं दोस्तों। अगर आप इसे साइडवेज मार्केट में यूज़ करेंगे तो ये प्रॉफिट बिल्कुल नहीं देंगे। साइडवेज मार्केट में आपको ये आपकी स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। बाकी ये सारे इंडिकेटर की कुछ सेटिंग है जिसको मैं आपको डिटेल वीडियो में ही बता सकती हूँ, एक ही वीडियो में सारी डिटेल नहीं बता सकती दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए दूसरे इंडिकेटर के बारे में जानते हैं जो है RSI। RSI को मैं ओवर सोल्ड जोन में और ओवर ब्रॉड जोन में जब पहुंच जाता है मार्केट, तो उसे पहचानने में मैं RSI का यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ओवर ब्रॉड जोन में यहाँ पे मार्केट पहुँच चुका है, और यहाँ से मैंने कंसिडर किया था कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो जैसे ही दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिल गया इस पहली कैंडल पर ही कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकता है। हमने वेट किया, वेट करने के बाद जैसे ही मार्केट डाउन साइड आने लगा हमने यहाँ पर एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमें RSI ने प्रॉफिट दिया है 673 पॉइंट का। यहाँ पे हमें RSI ने कन्फर्मेशन दे दिया था या इस जगह पे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है, और बिल्कुल हमने दूसरे दिन जब मार्केट रिवर्स आया तो हमने यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया है। तो RSI हमें बताता है ओवर सोल्ड जोन और ओवर ब्रॉड जोन। जब भी ओवर सोल्ड जोन में पहुँच जाता है तो हम पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं, और जब भी ओवर ब्रॉड जोन में पहुँच जाता है तो हम रिकवरी की एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। ये सारे इंडिकेटर निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही वर्क करते हैं, स्टॉक में भी वर्क करते हैं, लेकिन सारे इंडिकेटर आप स्टॉक में किस तरह से वर्क करते हैं उसकी सेटिंग अलग होती है दोस्तों। सारे इंडिकेटर हर स्टॉक में वर्क नहीं करते, ये भी आपको ध्यान रखना है। RSI की पूरी सेटिंग जानना चाहते हैं किस तरह से वर्क करता है लाइव मार्केट में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। RSI के लिए एक सेपरेट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी मैं आपके लिए। अब नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में जानते हैं जो है MACD, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लाइव मार्केट में ट्रेंड पहचानने के लिए। MACD मैंने प्लॉट कर दिया है यहाँ पे, एक दो एग्जांपल मैं MACD के आपको दिखाऊंगी।
जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट डाउनसाइड आ रहा था, तो हमें पुट की एंट्री लेनी चाहिए थी एमएसीडी के कंफर्मेशन के बाद। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एमएसीडी ने कंफर्मेशन दिया है यहाँ पे क्रॉसओवर करके, ऑरेंज ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉसओवर कर रही है, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि हमें पुट साइड का एंट्री लेना चाहिए। अगर हम इस कैंडल पर एंट्री लेते थे तो भी हमें कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है एमएसीडी ने वो हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ तक भी अगर हम वेट करते थे मार्केट में तो भी हमें 970 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, और फिर भी मार्केट डाउनसाइड बहुत अच्छा गिरा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ तक मार्केट ने हमें मूवमेंट दिया है। तो एमएसडी इस तरह से वर्क करता है दोस्तों। एमएसडी की पूरी सेटिंग जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो एमएसडी के बारे में भी बना दूंगी। ये सारे जो इंडिकेटर मैं बता रही हूँ वो किस टाइम फ्रेम पे आपको यूज़ करने चाहिए और किस टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं करने चाहिए, और आप साइडवेज मार्केट में इसे कैसे यूज़ नहीं कर सकते वो मैं डेडिकेटेड वीडियो में ही बता सकती हूँ दोस्तों। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती। तो चलिए नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में जानते हैं, जो है पिवट पॉइंट। पीवियड पॉइंट आपको पिछले 15 डेज़ का यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड दिखाता है, दर्शाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पीवियड लगा दिया है, यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीवियड को यूज़ करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रॉफिट किस तरह से बुक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीवियड ने हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन दिया है, यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन दिया है कि यहाँ से पीवियड ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते थे तो रेजिस्टेंस तक का हमें प्रॉफिट मिलता था 170 पॉइंट का, यहाँ तक का प्रॉफिट हमें पीवियड ने दिया है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं पिवट का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिवट ने ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ पे पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट होने के बाद अगर हम यहाँ पे दूसरी कैंडल पे एंट्री लेते थे तो हम यहाँ पे सपोर्ट तक का भी हम 90 पॉइंट अचीव कर सकते थे, फिर भी मार्केट ने हमें कितना बड़ा प्रॉफिट दिया है आप देख पा रहे हैं। अगर दूसरा पिवट भी जो यहाँ पर दूसरा जो S1 दिख रहा है आपको सपोर्ट, ये भी ब्रेक कर जाता है तो हम वेट कर सकते हैं और बड़े प्रॉफिट के लिए, यानी कि दूसरे पिवट तक का हम वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 160 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता था। उसके बाद भी प्रीवेट यहाँ पे ब्रेक होता चला गया और यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हमें हासिल हो गया। तो इस तरह से हम प्रीवेट का यूज़ करके बड़ा प्रॉफिट भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉपलॉस को ट्रेल करना आता है तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए भी जा सकते हो। समझ लीजिए यहाँ पे एंट्री लेने के बाद अगर हम यहाँ तक रुके थे स्टॉपलॉस ट्रेल करके तो हमें 697 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होता प्रीवेट को यूज़ करके। तो पीवट के बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत है, अगर आप बताएंगे कमेंट में तो मैं ज़रूर बना दूंगी डेडिकेटेड वीडियो इन सारे इंडिकेटर के बारे में। तो चलिए लास्ट और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो मैं मोस्ट यूज़ करती हूँ, ये सारे इंडिकेटर मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ वो इंडिकेटर के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, और वो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। वैसे मैंने RSI और हैकेनसी के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे से वर्क करती है लाइव मार्केट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। चलिए मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया है। मूविंग एवरेज के बारे में भी मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है जो आपको डेली मार्केट से प्रॉफिट निकाल के दे सकती है, और मेरे लिए मूविंग एवरेज की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं मार्केट के अनुसार यूज़ करती हूँ मूविंग एवरेज को। तो अगर आप मूविंग एवरेज के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं सेटिंग के बारे में, कौन से टाइम फ्रेम पर आपको मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं मूविंग एवरेज के बारे में एक सेपरेटली वीडियो लेके आऊँगी। वैसे एक बढ़िया मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए बनाई हुई है वीडियो, उसका भी जो है लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मूविंग एवरेज मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया है, ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होने के बाद अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते थे, बिल्कुल हमने यहाँ पर एंट्री लिया था दोस्तों, और बिल्कुल यहाँ पर एंट्री लेने के बाद हमने यहाँ तक का प्रॉफिट अचीव किया है 530 पॉइंट का। तो मूविंग एवरेज इस तरह से काम करती है दोस्तों, आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री लेनी होती है। ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, और अगर हम ब्रेकडाउन पर एंट्री लेते थे दो तीन कैंडल के बाद भी तो हम यहाँ तक अगर रुकते थे तो भी हमें 490 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, और अगर हम यहाँ तक रुकते थे तो हमें 1240 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, और अगर हम यहाँ तक रुकते थे मूविंग एवरेज में
मूविंग एवरेज को फॉलो करके, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 1660 पॉइंट का। बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है। मैं 3 मूविंग एवरेज का यूज़ करती हूँ, 200 और 20 डेज मूविंग एवरेज, और एक मूविंग एवरेज है 50 डेज का मूविंग एवरेज। अलग अलग स्ट्रैटेजी है मेरे पास मूविंग एवरेज के लिए, अगर आप बताएंगे तो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी। किस तरह के मार्केट में किस कौन सा मूविंग एवरेज आपको अप्लाई करना चाहिए उस बारे में भी मैं वीडियो में बताऊंगी, इसलिए मूविंग एवरेज के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए सारी डेडिकेटेड वीडियो। कोई भी इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करता दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बाकी की स्ट्रेटजीज की वीडियो मैंने आई बटन में दे रखी है, आप वहाँ से आई बटन में जाके देख सकते हैं। जो आपको मेरे आई बटन में नहीं मिलती है वीडियो, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप सिर्फ इंडिकेटर पर भरोसा करके कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते दोस्तों, ये बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट निकाल सके और स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।